न्यूज तक अब नए अंदाज में। देश उस वक्त फूला नहीं समाया जब ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने इस्तीफा देते हुए आईआईटी मुंबई से पढ़े पराग अग्रवाल को नया सीईओ बनाने का ऐलान किया। कभी श्रेया घोषाल की दोस्ती तो कभी अपनी सैलरी के लिए पराग लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब ये तो हम आपको बता चुके हैं कि पराग अग्रवाल श्रेया बचपन के दोस्त हैं और एक साथ स्कूल में पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर जिस ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल बने हैं उस पद की आखिर सैलरी कितनी है और अब पराग अग्रवाल को कितनी सैलरी मिलेगी। तो चलिए बताते हैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। भारतीय मूल के पराग ने जैक डॉर्सी की जगह ले ली है। हालांकि पराग कोई पहले भारतीय नहीं है जो दुनिया की बड़ी कंपनियों की सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठे हों। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हों या फिर माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला भी देश का नाम रोशन कर चुके हैं। बहरहाल, पराग की सैलरी के बारे में बात करें तो उनकी सैलरी करोड़ों डॉलर में है। जी हाँ, दरअसल पराग की सैलरी $1 मिलियन यानी कि तकरीबन 7,50,54,400 होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैलरी के अलावा उन्हें $12.5 लाख यानी कि 93,89,00,000 रुपए के आसपास स्टॉक यूनिट भी मिलेंगे। स्टॉक का ये पैसा पराग अग्रवाल को 16 क्वार्टरली इंक्रीमेंट में मिलेंगे। बता दें कि 37 साल के पराग अग्रवाल कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोनस प्लान का हिस्सा भी होंगे। चलिए अब आपको कुछ और भारतीय मूल के लोगों की सैलरी बताते हैं जो पहले से ही बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले बात सत्य नडेला की। माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाने और चलाने का क्रेडिट सत्य नडेला को ही जाता है। नडेला हैदराबाद में जन्मे और 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। वहीं जून 2021 में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट का चेयरपर्सन बना दिया गया। बता दें कि 54 साल के नडेला ने हैदराबाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और अब उनकी सैलरी $43 मिलियन यानी कि तकरीबन 304 करोड़ रुपए सालाना है। चलिए अब बात करते हैं गूगल के सुंदर पिचाई की। गैजेट स्नो की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर पिचाई की बेस सैलरी साल 2020 में $2 मिलियन की थी, यानी कि उन्हें भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये सैलरी लगभग 15 करोड़ रुपए सालाना हो जाती है। अब दुनिया की बड़ी आईटी सेक्टर कंपनी आईबीएम के सीईओ 59 साल के अरविंद कृष्णा की सैलरी पर भी बात कर लेते हैं। अरविंद कृष्णा को आईबीएम की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं के अलावा उन्हें $1.5 मिलियन यानी कि 11 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी के शेयर और दूसरे बोनस भी इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं अडोब सिस्टम के सीईओ शांतनु नारायण की सैलरी के बारे में। साल 2019 में पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया। हैदराबाद में जन्मे शांतनु नारायण 2007 से अडोब इनकॉर्पोरेट के सीईओ और चेयरपर्सन हैं। उन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 58 साल के शांतनु को $39.2 मिलियन यानी कि 250 करोड़ रुपए की सालाना सैलरी मिलती है। चलिए अब एक बार फिर से पराग अग्रवाल की बात करते हैं, क्योंकि चर्चे तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पराग अग्रवाल की ही है। देखिए, जैक डॉर्सी ने 16 साल बाद ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ दिया, लेकिन इस पद के लिए डॉर्सी की पहली पसंद पराग अग्रवाल ही रहे। पराग ने 2011 में कंपनी ज्वाइन की थी और 2018 में उन्हें कंपनी का CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बना दिया गया और अब पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बना दिया गया है। न्यूज़ तक की ओर से पराग अग्रवाल और उनकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई।